जयपुर के शाहपुरा जहां प्रियंका गांधी की जनसभा हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि वोट जो है आपका वो पूरी जिम्मेदारी से समझदारी से आप ही के पक्ष में जाना चाहिए। और ये जो चुनाव का समय है इस समय और आपको नकारता कौन है ये बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे नेता आते जाते हैं मंच पे, हम कांग्रेस के नेता हैं कांग्रेस के पक्ष में तो बोलते ही हैं, भाजपा के नेता आएंगे वो भी भाजपा के पक्ष में बोलेंगे। अच्छा वो कहते हैं हम भ्रष्ट है, कहते हैं ना कांग्रेस वाले भ्रष्ट है कहते हैं, हम कहते हैं भाजपा वाले भ्रष्ट है। वो कहते हैं कि हम काम नहीं करते, हम कहते हैं वो काम नहीं करते। तो इस बीच कभी कभी मुझे लगता है कि जनता कैसे समझेगी कि भाई सही कौन कह रहा है झूठ कौन कह रहा है। तो ये जो समय है चुनाव का इसमें आप सबकी बातें अच्छी तरह से सुनो, ध्यान से सुनो, मोदी जी आए उनकी सुनो, भाजपा के नेता हैं उनकी सुनो, हमारी सुनो, हमारे बड़े 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 नेता गहलोत जी राहुल जी खड़गे जी आए आपके सामने उनकी बात सुनो। लेकिन जो आपका वोट है जो आपकी सोच है वो बहुत ही मतलब तीखी होनी चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि किस तरह से इन सब की बातों में से हम सच्चाई को निचोड़ के निकालें, ये आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो आज जो चुनाव के जो सच्चे सवाल हैं, जो असली सवाल है वो क्या है? एक तो बेरोजगारी है, बड़ा मुद्दा है। अब हम देश में देखें कि जहां पे भाजपा की सरकारें हैं और जहां देश में केंद्र में भाजपा की सरकार चल रही है वहां बेरोजगारी का क्या दर है? 45 सालों में सबसे अधिक बेरोजगारी आज हमारे पूरे देश में है। अब आप अपने प्रदेश में राजस्थान में देखिए, राजस्थान में मैं मुख्यमंत्री जी से पूछ रही थी 2-3 दिन पहले कि मुख्यमंत्री जी हमने कितने रोजगार दिलवाए हैं, तो वो बोले देखो 2 लाख रोजगार हमने दिलवाए हैं और 1 लाख